यू तो मास्क का यूज हम सिर्फ लगाने के लिए ही करते हैं, बट इसका यूज हम बहुत सी ऐसे काम है जो कर सकते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या यूज कर सकते हैं इस मास्क के साथ, एंड काफी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ मैंने ले लिया है मास्क, आप कोई भी मास्क ले सकते हैं। पुराना मास्क अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप धो लीजिए, एंड एक नया मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कॉर्नर से कट कर रही हूँ, एंड इसके बाद मैं निकाल दूँगी इसका ये जो रबर लगा हुआ है, इसका मैं यूज़ करूँगी बाद में, तो इसे साइड कर लेते हैं। एंड इसके बाद खोल लेते हैं इसका लेयर। तो इसमें एक से दो लेयर होती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके। तो ये देखिए, ये पहला लेयर एंड ये सेकंड लेयर। तो इसका मैं करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा यूज़। यहाँ मैं एक पहला यूज़ आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ ले लेना है गॉगल्स। जी हाँ, यहाँ जो पिंक वाला है वो मेरी बेटी का है एंड बड़ा वाला मेरा है। तो कई बार क्या होता है, हम बाहर घूमने जाते हैं एंड गॉगल्स का डब्बा हो ज़रूरी तो नहीं है, तो क्या करते हैं, हम गॉगल्स को ऐसे ही पर्स में डाल देते हैं, एंड जो इस गॉगल्स का ग्लास होता है ना, उस पर स्क्रैच लग जाती है, उसका ग्लास ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जब भी आप इस तरीके से अगर पर्स में डालती हैं तो आप ऐसे मत डालिए, आप ले लीजिए ये वाला मास्क। एंड इसमें दो लेयर है तो एक से दो चश्मा आराम से आ जाएगा। देखिए, एक लेयर में मैंने रख दिया है एक छोटा वाला, एंड सेकेंड लेयर में मैंने रख दिया है अपना। तो इस तरीके से एक दूसरे में ये रगड़ भी नहीं खाएगा और सेफली आपके पर्स में आ जाएगा। तो मैं टिप्स बताने जा रही हूँ वो लेमन के साथ बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, एक हाफ लेमन ले लेना है। इसके बाद आपको ले लेना है मीठा सोडा खाने वाला, एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा टैप टैप करके लगा दूँगी, और इस नींबू को मैं रख दूँगी मास्क के अंदर। एंड इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्रिज के अंदर रखने के लिए। जी हाँ, फ्रिज के अंदर क्या होता है, बहुत ढेर सारे सामान रखते हैं, खाने का भी सामान रखते हैं, तो उससे एक जो स्मेल है ना वो पूरी फ्रिज में आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप इसको बना के फ्रिज में रख देंगे तो आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल भी स्मेल फ्री हो जाएगा, एंड एक बहुत ही अच्छी सी महक आ जाएगी। एंड दूसरा, आप इसको सिंक के नीचे भी रख सकते हैं। कई बार जहां हम बर्तन क्लीन करते हैं उसके नीचे जो कबर्ड रहता है, आपके यहाँ भी रहता होगा, उसमें जो आप सामान वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें भी एक थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, बैड स्मेल। तो इसका यूज़ आप वहां भी कर सकते हैं, वहां भी किसी कॉर्नर में आप रख देंगे तो जो आप देखेंगे बैड स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी, स्मेल फ्री हो जाएगा एंड एक अच्छी सी महक उसमें आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी, अब आपका भी फ्रिज और सिंक के नीचे का जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे टिप्स की तरफ, एंड आगे मैं और भी जो वीडियो बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है चार कपूर, और यहाँ मैं कपूर का यूज़ करने वाली हूँ इस मास्क के अंदर, बहुत ही अच्छा यूज़ करूँगी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ आपको तीन से चार कपूर लेके इसको अंदर डाल के एंड बहुत अच्छे से क्लोज कर लेना है। क्लोज भी आपको उसी से करना है जिसका जो मैंने ये रबर निकाला था, उसे बहुत अच्छे से ये क्लोज़ हो जाता है। इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ कबर्ड के अंदर रखूँगी, जहाँ पे हम लोग कपड़े रखते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं ना कुछ कुछ ऐसी स्मेल आ जाती है, या फिर बरसात का पानी या फिर सीलन वगैरह जो आ जाती है, इसकी महक जाएगी तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड आप इसको किसी हॉल में भी रख सकते हो, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है, एक मन को सुकून देता है, एंड जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो भी नहीं आते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, एंड इस तरीके से आप भी अपने घर में इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा चौथा टिप्स है वो इस तरीके से साबुन के ऊपर है, चाहे नहाने का साबुन हो या कपड़े का साबुन, घिसते घिसते ये इस तरीके से पतला हो जाता है, तो इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, इसे फेंक देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा प्रॉपर हम हाथों से यूज़ नहीं कर पाते हैं, एंड जब कपड़ा भी साफ़ करते हैं तो हाथ हमारे रगड़ खाते हैं। तो यहाँ आपको जो टूटे फूटे भी साबुन हो, छोटे भी साबुन हो ना, आपको मास्क के अंदर इस तरीके से डाल लेना है जैसे मैं डाल रही हूँ, एंड उसी रबड़ से बहुत ही प्रॉपर आपको इसको क्लोज़ कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, एंड इसका बहुत अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए, सिंक साफ़ करने के लिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और जो आपके साबुन है उसका भी यूज़ हो जाता है और उसे फेंकना भी नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैं अपना वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ एंड बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, बिल्कुल मेरा हाथ भी ख़राब नहीं हो रहा है, एंड मास्क के अंदर जो साबुन है बहुत अच्छे से झाग भी दे रहा है। एंड जब आप इसका यूज़ कर लीजिए तो इसे धोने के बाद आप टांग दीजिए कहीं भी, क्योंकि इसका जो पानी है वो भी निकल जाता है, क्योंकि एक तरफ का जो मास्क है वो मैंने कट नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छा कहीं भी इसे हम टांग सकते हैं।
तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो यहाँ जो मेरा पांचवा टिप्स है वो काफ़ी यूज़फुल है हर हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ जो मेरे ज्वेलरी आप देख रहे हो, मैं इसी तरीके से खाली डब्बे में रखी हूँ, बट ज्वेलरी को ऐसे नहीं रखना चाहिए, चाहे आपका आर्टिफिशियल हो या फिर आपका गोल्ड का हो, क्योंकि इस तरीके से अगर आप नॉर्मल रख देंगे तो वो काला काला सा उसके जो स्टोन है हो जाते हैं, एंड एक दूसरे में रगड़ खा के बहुत बार तो टूट भी जाता है। तो आपको क्या करना है, मास्क को ओपन जैसे मैंने किया था उस तरीके से इसके अंदर आप रखिए जितने भी आपकी ज्वेलरी है। अगर आपकी गोल्ड की भी ज्वेलरी है तो भी आप इसमें रख सकती हैं, एंड बहुत ही अच्छे से सेफ रहता है, बिल्कुल भी जो स्टोन है वो काले नहीं होते हैं, एंड एक दूसरे में रगड़ खा के वो टूटते नहीं हैं। तो अब से आप भी मास्क के अंदर इस तरीके से अपनी ज्वेलरी रखिए, एंड इसके बाद आप डब्बे के अंदर बंद करके रखेंगे तो आपकी जो ज्वेलरी आप देखेंगे उसमें जो एक चमक है बनी रहेगी, एंड स्टोन वगैरह भी काले नहीं होंगे, एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका जो ज्वेलरी है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी, एंड हर हाउस वाइफ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोगों को ज्वेलरी तो काफ़ी पसंद होती है बट कई बार हमारी ज्वेलरियाँ टूट जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी ज्वेलरी सेफ रखना चाहते हैं तो बहुत दिनों तक रहती है। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।